हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज भारत का संविधान हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास और कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इससे बनते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित एक किस प्रकार से जो है भारत का संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में आज जो हम जानकारी जुटाएंगे। थोड़ा सा टॉपिक जरूर डिफिकल्ट है, पर बने रहें वीडियो के साथ में क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने सभी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के शामिल किए हैं, वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आर्मी, पुलिस, पटवारी, रेलवे, एसएससी व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक टेस्ट क्वेश्चन को लगाते जाएँ आप और पेन कॉपी अपने साथ में रखें ताकि आप नोट्स कंप्लीट कर पाएँ। पूरा संविधान मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आज और वादा करता हूँ कि पूरा संविधान आपका कंप्लीट हो जाएगा एक एक टॉपिक्स। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ में और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। जल्दी बताएं क्या ऑप्शन होगा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा दोस्तों डी। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन दिया है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1991 या 92। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 है। ठीक है, 1909 हो जाता है व्यवहार, प्रिंटिंग मिस्टेक, 1909। तो इसमें से क्या आंसर होगा दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का जो फरमान आया था वो कौन से एक्ट के तहत? तो वो आया था आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, सही ऑप्शन से आपका बी। जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया है, भारत परिषद अधिनियम 1861, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, सभी विद्यार्थियों को लगभग याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है। मैं चार ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नंबर एक 1773 में, 1771 में, 1785 में और 1793 में। जल्दी बनाए क्या होगा, पांच का आंसर्स। वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया है 1773, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छठा नंबर का क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। जल्दी बताएं छह का आंसर क्या हुआ, छह का आंसर्स। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट जो है इसका सही आंसर होगा। सातवें नंबर का क्वेश्चन, सातवें नंबर का क्वेश्चन से दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1885, 1875, 1876, 1858। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने 1876 आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर होगा सात का, सात का सी आंसर्स 1876। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन में ने पूरा किया? रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ था आपका, आठ का आंसर है दोस्तों बी। कौन सा आंसर है, बी।
देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तो ये उन्होंने पूरा किया था, बाकी कोई भी आश्वासन जो दिया गया था वो कभी पूरा नहीं किया गया उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल सही है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। नो का आंसर क्या होगा दोस्तों? नो का आंसर ए, नो का आंसर क्या होगा? ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया वो बिल्कुल सही आंसर है। नो के बाद चलेंगे दोस्तों दस। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? पहला है 1905, दूसरा है 1909, 1911 या 1920। दस का आंसर, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है सभी विद्यार्थी को। दस का आंसर, वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया है 1909 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। जल्दी बनाए, 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर भी मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? द्वेष शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन, 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी विद्यार्थियों को फिलअप करना है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यदि आप संविधान को पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो के अंत में जाकर आप देखें, मैंने पूरी डिटेल दी है आपको। तो वीडियो के अंत का मतलब है बीच में से आपकी जो है डिटेल शुरू होगी, ये जो क्वेश्चन खत्म होंगे उसके बाद में डिटेल शुरू होगी, तो आप वहाँ से जाके पढ़ें और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन का सेट लगाने के लिए आए, आपको पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो है अगर आप कमज़ोर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल चले जाइए, हताश और निराश ना होए, आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, पूरा संविधान कंप्लीट करना है हमें, तो कैसे कंप्लीट होगा? ठीक है, और जिनको याद है वो चलाते हैं, पीछे डिटेल भी आएगी, उसको भी आपको नोट डाउन करना है, अपने नोट्स में शामिल करना है। तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था क्या था? 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन में राज्य की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। 13 का आंसर क्या है दोस्तों? वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया है प्रांतों में दोहरा शासन, वो बिल्कुल सही आंसर है 13 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पेंटी क्लारेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। जल्दी बनाए, 14 का आंसर, वेरी गुड, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर फिलअप करेंगे, वेरी गुड। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन दिया है लॉर्ड एमरी, वो बिल्कुल सही है। ये कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, उसमें ये शामिल नहीं थे, बाकी तीनों क्या थे? शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। जल्दी बताएं, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन दिया है पाकिस्तान की स्वीकृति, वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि यही आंसर है उसका कि पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी कैबिनेट मिशन योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो करें, जल्दी बनाएं, वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों,
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ड्यूरंड योजना, ड्यूरंड योजना, मार्ले सॉरी मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवल योजना। जल्दी बनाए, चार ऑप्शन आप किसके लिए भी शो करें। 17 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, माउंटबेटन योजना। ये 3 जून को बनी थी, 3 जून 1947 को बनी थी, जो भारत विभाजन की योजना के नाम से भी जानी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। 17 के बाद चलेंगे 18। कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बिल्कुल सही है, मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, यह भी सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी बिल्कुल सही है। और साइमन कमीशन की अगर बात करें तो भारत विभाजन। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर होगा भारत विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। जल्दी बताएं 20 का आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, वेरी गुड, वेरी गुड। 20 का आंसर जिन विद्यार्थियों ने ए दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। जल्दी बनाए, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया कौन सा अधिनियम था? वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया है भारत शासन अधिनियम 1919, वो बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर है। और आपको अगर ये एग्जाम में अटाए तो बिल्कुल जो है एक नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम में किया गया कौन सा अधिनियम था, जहां पर संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया? जल्दी बनाए, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो करें, जल्दी से आंसर फिलअप करना है सभी विद्यार्थियों को, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप आंसर फिलअप करते हैं तो उससे आपकी गलती पकड़ा दी, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, यानी चारों ऑप्शन एक जैसे लग के मारो आंसर देखने के बाद। वेरी गुड, जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन दिया है 1935, वो बिल्कुल सही आंसर है और सही दिशा में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1909, 1919, 1904 और 1858। जल्दी बनाए, 23 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए, 1935। जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जल्दी बनाए, 24 का आंसर क्या आंसर होगा? 24 का आंसर है बी, जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली? क्वेश्चन क्या है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। जल्दी बनाए, 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, वेरी गुड, भारत सरकार अधिनियम 1909। क्या आंसर होगा? भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय मंडल को या प्रांतीय राज्यपाल को? जल्दी बनाए, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। जल्दी से क्या आंसर होगा? 26 का आंसर, वेरी गुड, 26 का आंसर होगा बी, जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपके यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टेस्ट था
वो यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद आपकी डिटेल आने वाली है, ठीक है दोस्तों। डिटेल के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक पेन कॉपी लेना चाहिए और उसको डिटेल को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल है। अगर आपने ये डिटेल पढ़ कर अगर आप टेस्ट लगाएंगे ना, मान लो अभी कुछ क्वेश्चन आपके गलत हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये डिटेल में बता रहा हूँ, इसको पढ़कर आप टेस्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे संवैधानिक विकास से, उससे लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हम पहले जानकारी के लिए, भारतीय संविधान के संवैधानिक, देखो क्या लिखा गया है हमारे जो हैं राइटर के द्वारा, भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास इतिहास में से संबंधित कुछ बातें जिनको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनसे परीक्षाओं में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और सही कहा उसने, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि सारे एक जैसे एक्ट हैं, जिनकी जानकारी एक जैसी लगती है, फिर भी हमें याद करना बहुत आवश्यक है। इसलिए PDF और वीडियो को बार बार सुनें, वो पढ़ें वो सुनें। जय हिंद जय भारत, आपको सफलता मिलेगी, ऐसी कामना हमारी पूरी टीम के द्वारा की जाती है। तो कितनी बड़ी बात कह दी है उन्होंने कि बिल्कुल टॉपिक डिफिकल्ट है, पर आपको सफलता निश्चित मिलेगी, और ऐसी कामना पूरी टीम के द्वारा की जा रही है। तो टीम की मेहनत है भाई, उसका वर्क है, आप उसे व्यर्थ ना जाने दें। प्लीज़ विनती है आप लोगों से, अच्छे से पढ़ें और डिटेल को भी आप नोट करते जाएँ, अपने नोट्स में शामिल करें। चलते हम पहले जानकारी के लिए, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा, ठीक है दोस्तों। प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, और बक्सर का युद्ध जो है हुआ था मीर कासिम और बंगाल के नवाब और अपने मुगल साम्राज्य के सम्राट के साथ में हुआ था, और इसमें अंग्रेज जीते थे। तब से अंग्रेज यहाँ पर सत्ता स्थापित करने लग गए थे, बिल्कुल जो है पूरा नियंत्रण स्थापित करने लग गए थे, ठीक है। और तब से क्या हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बंगाल पर क्या हो गया था, शासन हो गया था। और उसी बंगाल को आगे शासन को आगे बढ़ाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया था, समय समय पर एक्ट पारित किए थे, ठीक है। अब देखो, अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जिनको हम अब पढ़ने वाले हैं, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बने। वे एक्ट कौन से हैं? नंबर ए एक्ट पर चलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, ठीक है। ये जो अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट, क्वेश्चन आया था अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये एक्ट है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इससे पहले कंपनी अपने हिसाब से चल रही थी, ठीक है, पर उसको उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, किसके द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला पॉइंट है आपका, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया, मतलब उसका नाम बदल के बंगाल, पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर होता था, पर अभी वर्तमान में क्या हो रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। अगला है आपका छठा नंबर का पॉइंट, ठीक है, छठा नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से, ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट दोस्तों आप किस करें, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश होते थे, तो टोटल कितने होते थे, चार। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, कौन थे, सर एलिजा इम्पे। इसके बाद चलते हैं दसवां पॉइंट, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, मतलब निजी व्यापार का मतलब है जैसे अभी किराने की दुकान है, कोई भी अपना अपना व्यापार कर रहा है, तो वो करने की अनुमति नहीं दी। निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है, अगर कोई रिश्वत लेता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और निजी व्यापार भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब कंपनी पर नियंत्रण किस टाइप से हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, उसके माध्यम से ये सारी चीज़ चली।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसे भारत में इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया कि आपके पास कितनी सेना है, आप कितना कमा रहे हैं वहाँ से, इस और कितने नागरिक जो हैं आपके इंडिया में हैं, वो सारी जानकारी आपको देना पड़ेगी। किसको? ब्रिटिश सरकार को। नेक्स्ट है आपका एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब यही समझ रहा है, सेटलमेंट कहीं ना कहीं। तो यहाँ क्या हुआ था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये इसको लाया गया, कुछ कमी हो तो उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कितने वर्ष के लिए बढ़ाएगा? 20 वर्ष के लिए। कौन से एक्ट के तहत? 1813 का चार्टर एक्ट। बीच में और भी अधिनियम आए हैं, उनको मैंने काट दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे केवल उन्हीं को शामिल किया है। वैसे वो भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, पर मेरे विवेक से जो ज़्यादा लगा उसको मैंने ले लिया है, बाकी आप उसको फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। कंपनी के अगला पॉइंट देखिए 15, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। पहले क्या होता था कि जो कंपनी जो रहती थी केवल उसी के कर्मचारी जो हैं व्यापार कर सकते थे, बाकी और को व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। तो ये जो एक्ट आया ना 1813 का, इसके तहत क्या कर लिया गया, कंपनी के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए। मतलब अब कंपनी का जो कर्मचारी नहीं है वो भी आ सकता है ब्रिटेन से यहाँ पर व्यापार करने, पहले नहीं आ सकता था। 1813 से पहले ईसाई, जो ईसाई धर्म के पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, किसी भी प्रकार का व्यापारिक अधिकार जो है कंपनी के पास नहीं रहा है, ठीक है। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। मतलब कंपनी क्या है, अब व्यापार व्यापार बंद करके केवल शासन कर रही है भारत पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कहने लगा, पहले बंगाल का था, फिर उसके बाद में क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, फिर उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। पहले क्या होते थे, दास होते थे, आपने देखा होगा कि यार पहले व्यक्ति क्या होते थे, बिकते भी थे, बोली लगती थी उनकी, 2000, 5000, 10000, एक गुलाम मंच की स्थापना है, वो ऐसे ही हुई थी, ठीक है, तो उसे कहीं से खरीद कर लाए गए थे, लाख बख्श भी बोला जाता है। तो दास प्रथा को क्या कर दिया, विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया, मतलब कानून के विरुद्ध है, दास कोई नहीं रख सकता, छोड़ने पड़ेंगे यदि आपके पास दास है। तथा 1843 में इसका उन्मूलन ही कर दिया गया, बिल्कुल ही मतलब खत्म कर दिया गया इसको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करने हेतु गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये सब 1813 के तहत चल रहा था। 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नाम जादगी, मतलब पहले क्या होता था, कोई भी नाम दे दो, पहले लिस्ट बना के दे दो, अपने अपने वाले को ले लिया करता था, पर उसके बाद क्या हो गया, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। नाम जादगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्रिपद की स्थापना की गई। कौन से एक्ट के तहत, ये एक्ट है, ध्यान रखना 1858 का भारत शासन अधिनियम, क्या किया गया, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, जो आपको मंगल पांडे ने जो है चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, और उसने दो अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, कोई कहता है वो घायल हो गए थे, कोई कहता है वो मौत के घाट उतर गए थे। इस एवज में जो है अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया था। मतलब कुल मिलाकर जो है कंपनी मतलब नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रही थी भारत के ऊपर, तो कंपनी से छीन कर किसको दिया, ब्रिटिश सरकार को दिया, यानी क्राउन के हाथों में चला गया। अब डायरेक्ट अपने ऊपर जो शासन किया जा रहा था भारत के ऊपर, वो इंग्लैंड से हो रहा था। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, पहली बार जो मंत्री पद यहाँ लाए गए।
15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। भारतीय मामलों पर क्या हो गया? ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल सम्राट के पद को तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। ये सब कब हो रहा? 1857 की क्रांति के बाद, तो 58 में हो रहा। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। वह अपने कार्य के लिए कौन? राज्य सचिव जो होता था, राज्य सचिव जो होता था वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। सवाल जवाब उसको ब्रिटिश संसद में देना पड़ते थे। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। इसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरों के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए अंतिम गवर्नर एवं प्रथम वायसराय। ठीक है, जो अंतिम गवर्नर कौन हुआ? अपना लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भी कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। जो विभाग होते ना, जैसे बैंक, रेलवे, SSC, ये सब, तो इस प्रकार से जो विभाग हैं उन विभागीय प्रणाली का शुरुआत जो हुई वो किसके द्वारा? 1861 के एक्ट के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने हुआ करती थी। आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिला हुआ। 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन आया था ये भी। 1852 का ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। किसके द्वारा? 1852 का जो एक्ट था। 1900 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है ये। 1900 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। चलते हैं, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। मतलब अलग से चुनाव करवा रहे थे इनके। आगे देखें, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली। ये क्वेश्चन भी आया था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट आपका, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है आपका नोट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, 1919 के द्वारा। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था। अब देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आ रहा है 1935 का एक्ट। कई क्वेश्चंस आए हैं इससे।
भारत का भारत शासन का अधिनियम 1935 1935 अधिनियम में 321 तो अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल कितने थे 321 और 10 अनुसूचियाँ थी। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो मूल संविधान में 8 थी जो बाद में 4 जोड़ दी गई। अगला पॉइंट देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वेष शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वेष शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, यानी केंद्र सूची, प्रांतीय सूची का मतलब राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। मतलब सूचियां कब बनाई गई, तो 35 के अधिनियम के द्वारा। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। यानी केंद्र सूची में वो विषय रखे जाते हैं जो पूरे भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो विषय केंद्र सूची में रखे जाते हैं। जैसे सेना की बात करें तो नौसेना पूरे प्रधानमंत्री का नियंत्रण में होता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय। अगर मान लो सेना अगर किसी राज्य सरकार को दे दें तो एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ पड़े, तो भैया वो सेना पर केंद्र का नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। नौसेना, मुद्रा, पैसों की बात होती है, करेंसी की बात होती है, ये सब क्या विदेशी कार्य होते हैं, वो सब किसको करना है, जनगणना किसको कराना है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि जनगणना किसका विषय, जनगणना किसका विषय, तो केंद्र सरकार का है, वो जनगणना कराएंगे आपसे। ठीक है, किसी भी चीज़ को अन्यथा ना ले, आपको समझाने के लिए सारी चीज़ बताई जाए। प्रांतीय सूची, ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जो राज्य के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जैसे कहीं किसी राज्य में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ चावल की खेती करेंगे। अब कोई राज्य सरकार कह दे भाई आप तो गेहूँ बोए, तो नहीं हो सकते ना वहाँ पर, तो अलग अलग। राजस्थान की बात करें, वहाँ रेतीली भूमि होती है, तो वहाँ के नियम अलग हैं, कायदे अलग हैं। गर्मी के दिनों में बारिश, पानी कम होता है तो पानी ढोलने पर जो है अपराध माना जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधान मंडलों की अन्य अधिकारिता होती है, यानी राज्य सरकार के विषय ही, जिसमें हम ले सकते हैं पुलिस। प्रांतीय सूची का कुछ विषय देखो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा दोस्तों मेरे कि पुलिस विभाग जो है कौन सी सूची में है, तो वो राज्य सूची में। प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, शिक्षा भी किसमें है, राज्य सूची में। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विषय विधान बनाने के लिए सक्षम है। कहने का मतलब एक समवर्ती सूची होती है, उस पर जो विषय रहते हैं उसके अंदर, उस पर दोनों ही क्या कर सकते हैं, दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। परंतु जब दोनों सरकार में विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का कानून ज़्यादा मान्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, समवर्ती सूची के कुछ विषय थे जैसे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद। इसके द्वारा ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, किसको, इसके द्वारा मतलब इस एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। इससे इसने मताधिकार का विस्तार किया, किसने किया, 1935 के अधिनियम में लगभग 10% जनसंख्या को मत करने का अधिकार मिल गया, पहले ये अधिकार नहीं था। अब इसके बाद चलेंगे हम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये अधिनियम पूरा होने के बाद में आपका संविधान स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका जो है अगला टॉपिक आएगा संविधान सभा। तो बिल्कुल जो चले लास्ट बचा है आपका पॉइंट 1947 का अधिनियम, हमको पढ़ना है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है पर याद जरूर करना पड़ेगा। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, 20 धाराएं थी, ध्यान रखना। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान देखिए, हम दो अधिराज्यों की स्थापना करनी थी। 47 का जो अधिनियम था, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, ऐसा यहां बताया गया था। 47 का जो अधिनियम था, सत्ता का उत्तरदायी तो दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी, डायरेक्ट अंग्रेज नहीं करेंगे। संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। अब देखो क्या पॉइंट था, संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में, मतलब विधान मंडल के रूप में, जैसे अपने यहाँ पर होता ना विधान मंडल होता है, जैसे विधायक का चुनाव होता है, तो ये विधान मंडल है।
तो विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक जारी रखेगी जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री पद के समाप्त कर दिया जाएगा जाएंगे भारत का जो मंत्री पद की स्थापना की गई थी उसको समाप्त कर देंगे। अब देखो पांचवें नंबर का पॉइंट है इसके अंदर, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन तब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। अब मेरी बात सुनो, संविधान का मतलब होता है जो कहते ना बहुत सी बार कोई अपराध हो जाता है तो यार संविधान में इतनी सजा का प्रावधान नहीं है। अब जैसे बहुत सी बार क्या होता है किसी लड़की को मार दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, तो कई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे जनता में भी काफ़ी आक्रोश हो जाता है, पर बोला जाता है कि इसको ऐसी सजा दो साले को, है ना, ऐसी सजा दो कि फिर जो कोई अपराध करने की नहीं सोचे। पर भाई उसको ऐसी सजा नहीं दे सकते क्योंकि संविधान में इतनी सजा का वर्णन ही नहीं है, तो संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो संविधान में लिखा है वो सारी चीज़ें, जैसे संविधान के अनुसार कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में घूम सकने की आज़ादी है। जैसे एमपी का व्यक्ति राजस्थान में जा सकता है, राजस्थान का बंगाल में जा सकता है, बंगाल का पंजाब में आ सकता है, जैसा भी है पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता है। तो कुछ नियम कानून जो हैं बनाए गए हैं, जैसे संविधान को वकीलों का स्वर्ग बोला गया है, तो वकीलों को सब याद होता है, उसी आधार पर तो उनका सब कुछ चलता है। तो जो चलाना है अपन को संविधान वो 1935 के अधिनियम के तहत अपन को कोई करना है। अगर मान लीजिए उस समय अगर कोई व्यक्ति अपराध कर लेता है तो उसको सजा किस कानून के अनुसार दें, कानून तो होना चाहिए ना, कि कानून होगा। जब चोरी करता है तो पुलिस में थाने वाले पकड़ के ले जाते हैं, सीधी सी बात है, पर वो ये अपराध तो करे ना पहले व्यक्ति। अब देखो देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया जाएगा, जो भी रियासतें जिन पर भी ब्रिटेन जो हुकूमत कर रहा है उस पर अंत कर दिया जाएगा, उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, जो भी ये अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो या तो जो भी रियासत हैं जो भी लोग राजा महाराजा है वो या तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या भारत में मिल सकते हैं, दोनों में से एक में मिल जाओ। ठीक है, अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, मतलब उनको जो चाहे वो उसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। वो यूँ कहना चाह रहा है कि वो जो सिलहट जिला है वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, ना कि भारत में। ठीक है, तो रियासतों का विलीकरण किया गया और भारत को एक विशाल रूप प्रदान किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका काफ़ी अच्छी रही है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था दोस्तों जिसको हमने किया है, और कोशिश की है कि आपको याद रहे, आगे और मज़ा आएगा और अच्छे से पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही आ रहा है आपका, भारतीय संविधान सभा के ऊपर जो टॉपिक आएगा और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने का, और एक एक करके आपका पूरा संविधान पूरा हो जाएगा। और भूगोल के टॉपिक में अपलोड कर चुका हूँ, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाकर जो है यूट्यूब चैनल पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पास में वीडियो लिखा रहेगा, वीडियो पे नहीं जाना है आपको, जो है साइड में चलना है, प्लेलिस्ट लिखी रहेगी, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जो है भूगोल से संबंधित वीडियो इस टाइप से मैंने लिखा हुआ है, आप वहाँ से जो है उसको सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं, आपको वीडियो देखने में सुविधा रहेगी, इसलिए मैंने इस टाइप से वहाँ पर बना दिया है। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अन्य विद्यार्थियों तक भी आप इस वीडियो को पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो में बने रहें और आपने जो इस महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठाया, और आशा की जाती है कि आने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता मिले और बेहतरीन तैयारी करें। अगला वीडियो आप देखें, संविधान एक एक करके आप पूरा कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल दोबारा अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।